वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में इवेपोरेशन लाइन का मतलब क्या होता है। कभी कभी इसे इवेपोरेटेड लाइन भी बोलते हैं। तो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? तो इवेपोरेशन का मतलब है कि किसी भी तरल चीज़ का भाप में कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी बर्तन में पानी को उबालते हो, तो उस बर्तन में से पानी कि जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है, कम हो रही है, और जो पानी है वो भाप बन के उड़ भी रहा है। ठीक है, ऐसा ही तब होता है जब आप यूरिन की, पेशाब की 3 से 5 बूंदें टेस्ट कार्ड में डालते हो, तो कुछ टाइम के बाद जो यूरिन है वो भाप बन के उड़ जाता है। और उड़ने के बाद जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड को देखते हो, तो उसमें आपको एक वाइट ग्रे कलर की लाइन शो होती है। इसी लाइन को बोलते हैं इवेपोरेशन लाइन या इवेपोरेटेड लाइन। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है। हालांकि मेरे पास में प्रेगा न्यूज़ का ब्रांडेड टेस्ट कार्ड है, और इस टेस्ट कार्ड की अगर आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करोगे ना, तो ये बोल रहे हैं कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड में आप जो यूरिन की ड्रॉप्स जब डाल देते हो, तब से लेके 5 मिनट तक के टाइम तक हमारा जो टेस्ट कार्ड है वो वैलिड रिजल्ट देता है, और 5 मिनट के बाद जो टेस्ट कार्ड है वो इनवैलिड टेस्ट रिजल्ट शो करता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि आपको कुछ टाइम के बाद फिर इवेपोरेशन लाइन शो होने लग जाती है, जिसके कारण लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई उनका जो टेस्ट रिजल्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर आपको 5 मिनट के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नज़र आ रहा है तो वो इनवैलिड है, और 2-3 घंटे के बाद अगर आपको जो लाइन है वो ग्रे कलर की नज़र आ रही है, स्लेटी कलर की, या फिर बहुत ही धुंधली टाइप की वाइट कलर की नज़र आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है। लेकिन स्टिल अगर आपको कन्फ्यूज़न रह रही है कि भाई हमारा जो टेस्ट कार्ड है वो सही से नहीं बता रहा, तो आप एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट का नाम है सीरम बीटा SCG क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। ठीक है, इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको एक्चुअल में प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।